Hey guys, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टेक इन हिंदी YouTube चैनल पर। तो गाइज, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो बताऊंगा कि Airtel Digital TV यानी कि Airtel DTH में आप जो चैनल है आप मोबाइल से कैसे ऐड कर सकते हैं या तो फिर आप रिमूव भी कर सकते हो, एंड साथ साथ आपका जो रिसेंट प्लान चल रहा है उसको भी चेंज कर सकते हो। आपको मैं यहाँ पे मोबाइल पे दिखाऊंगा जो आसानी से आप कर सकते हो एंड बहुत ही आप इजीली कर सकते हो, एंड आप चाहे जब चाहे उसको रिमूव कर सकते हो एंड जब चाहे उसको ऐड करके देख सकते हो। चलिए इससे वीडियो शुरू करते हैं। मेक श्योर गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। चलिए इससे वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, मैं तो मोबाइल से एयरटेल डीटीएच का चैनल को ऐड या रिमूव करने के लिए एंड आपका जो करंट प्लान है उसको चेंज करने के लिए आप क्या करना है, आपको एक सबसे पहले जो एप्लीकेशन का जरूरत है जो गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा, एंड यहाँ पे जाके सर्च करना है एयरटेल, एंड जैसे एयरटेल सर्च करोगे एयरटेल थैंक्स ऐप ई एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। एयरटेल थैंक्स इंस्टॉल करने के बाद सिंपली ओपन कर लेना है। आप गाइस देखिए यहाँ पे एयरटेल थैंक्स का जो लोगो है खुल जाएगा सिंपली, एंड आपके पास देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लेट स्टार्ट बोल के, एंड यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे आपको अलाउ कर देना है, कुछ से पहले अलाउ ऑप्शन आएगा, आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है यानी डीटीएच के साथ है जो, उसको डाल देना है। अब गाइस जैसे नंबर डालोगे यहाँ पे सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास जो ओटीपी आएगा ओटीपी को यहाँ पे आपको डाल देना है, एंड अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए आप चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो गाइस देखिए अभी जो क्या है आपके पास ये ओटीपी डालने के बाद ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, एंड आपका जो यहाँ पे यूपीआई आईडी मैं जैसे ऑलरेडी बना के रखा था तो यहाँ पे शो कर रहा है, आपको नहीं शो करेगा अगर आप यूपीआई आईडी नहीं बना के रखे हो। तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस देखिए जैसे आप लॉगिन करोगे आपको डायरेक्ट जो डीटीएच अकाउंट है यहाँ पे ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। देन देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। अब गाइस देखिए नीचे यहाँ पे बैंकिंग शॉप ये ऑप्शन है, एंड बट आपको जस्ट कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए डीटीएच का ऑप्शन आ रहा है, जैसे मेरा बीएसएनएल का सिम है लेकिन मैं एयरटेल के लिए रजिस्टर करके रखा हूँ डीटीएच के लिए, तो सिंपली यहाँ पे डीटीएच के जो आईडी शो हो रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे गाइस क्लिक करोगे यहाँ पे माई अकाउंट रिचार्ज टीवी मैनेज टीवी चैनल एंड ऐड एंड रिमूव चैनल का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे देखिए ऐड एंड रिमूव का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड जैसे गाइस क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास कुछ सेकंड टाइम लेगा प्रोसेस होने में, आपके नेट के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है आला कार्ट, एंड यहाँ पे आप चैनल को ऐड कर सकते हो रिमूव भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप टिक देख पा रहे हो फाइव चैनल टिक है यानी कि आप मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा, एंड एचडी का जो हाई डेफिनेशन का वन ऐड है। तो यहाँ पे अगर सपोज आपको कोई भी स्पोर्ट्स का चैनल या कुछ भी चैनल ऐड करना है, मैं स्पोर्ट्स के लिए एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे स्पोर्ट्स आ गया तो मैं यहाँ पे जो है स्टार स्पोर्ट्स वन हिंदी तो एचडी वाला है इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे टिक कर लूंगा एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट कर लूंगा। तो उसके बाद क्या करना है सिंपली फिनिश पे क्लिक कर लेना है। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा शो कर देगा कितना रुपीज़ है, एंड उसके बाद जस्ट यहाँ पे कॉन्फर्म पे क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको देखना है कि चैनल नंबर कितना है, आप जो चैनल नंबर सिलेक्ट किए हो उसका चैनल नंबर कितना है। अब गाइस मैं तो यहाँ पे जैसे मैं रिमूव करना चाहता हूँ, अगेन आपको ऐड एंड रिमूव ऑप्शन में जाना है, एंड यहाँ पे कुछ सेकंड टाइम लेगा। देन देखिए यहाँ पे जैसे मैं हाई डेफिनेशन का जो ऐड करके रखा है इसको मैं रिमूव करूंगा। यहाँ पे देखिए मैं जाऊँगा जो भी मैं सिलेक्ट करके रखा यहाँ पे टिक दिखाई देगा, जैसे मैं थोड़ा सा नीचे जाने के बाद आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे जो है इस चैनल को मैंने टिक करके रखा था यानी कि सब्सक्राइब करके रखा था, तो मैं इसको टिक को हटा दूंगा एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। एंड जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और एक फिनिश ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड आपको दिखा देगा कि कितना रुपए का चैनल है एंड कितना दिन चलेगा सभी आपको दिखा देगा, तो आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना। जैसे कन्फर्म पे क्लिक करो ये पे डन हो गया, एंड उसके बाद से ये चैनल आपको दिखाई नहीं देगा, एंड साथ साथ कुछ सेकंड बाद ही आपका जो डेज बढ़ जाएगा जो 27 डेज था, आप देखिए 30 डेज हो गया यानी कि 3 डेज ज़्यादा हो गया। तो इसी तरीके से आप चैनल को ऐड कर सकते हो एंड रिमूव कर सकते हो। देन अगर आपको और भी कुछ चेंज करना है यहाँ पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हेल्प एंड सपोर्ट, देन अपडेट अकाउंट में जा सकते हो एंड आप इसी तरीके से जो चैनल है चेंज कर सकते हो। माय अकाउंट में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे आपका अकाउंट चेक कर सकते हो, देन कनेक्शन चेक कर सकते हो, आप जाके यहाँ पे देख सकते हो। रिचार्ज करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके आप रिचार्ज कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप जो आपका डीटीएच का चैनल को रिमूव कर सकते हो। अगर आपको प्लान को अपडेट करना है तो चेंज करना है तो अपडेट अकाउंट इसके ऊपर जाना है, जो भी करंट प्लान है आप यहाँ पे एडिट करके देख सकते हो एंड बाकी आप जो भी ऐड करना चाहते हो रिमूव करना चाहते हो एंड जिस भी सेक्शन को आप ऐड करना चाहते हो आप यहाँ पे ऐड करके प्रोसेस कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए, एंड अगर वीडियो पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।